हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी सुबह का 6 बज रहा है और मैं सबसे पहले अपने लिए पानी गर्म करती हूँ। और यहाँ पे पानी गर्म हो गया है और पानी मैं निकाल लेती हूँ ग्लासों में। देखो, थोड़ा सा पानी नीचे भी गिर गया है। और सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ, उसके बाद मैं चाय लेती हूँ। साथ के साथ मैं थोड़ी चाय ज़रूर लेती हूँ क्योंकि मुझे चाय, सुबह चाय पी लो तो। और मैंने चाय पीने के बाद, चाय पी लो तो थोड़ा मन अच्छा सा हो जाता है और जो सुस्ती सी छाई रहती है ना, वो उतर जाती है। फिर अपने कामों में मन भी लगता है। और यहाँ मैं तुरंत फिर झाड़ू मैंने उठा ली। मैंने कहा सुबह अपना साफ सफाई जल्दी निपट जाएगी तो फिर सारा दिन अच्छा लगता है। और झाड़ू मैंने वहीं तक लगाई है, आगे तक, आगे बाहर नहीं लगाई क्योंकि बाहर इतनी मिट्टी थी क्योंकि आजकल बहुत हवा चल रही है ना, तो बहुत मिट्टी थी। तो मैंने बस पाइप लगा के पानी से मैं साफ़ कर दूंगी। इससे ना धूल भी नहीं उठती और अच्छे से मिट्टी निकल जाती है। और यहाँ मैं अंदर आ गई, तुरंत पोछा लेके अंदर भी मैं सफाई कर लेती हूँ। आज दिन मंगलवार है और इन्होंने पूजा आज स्टार्ट कर दी क्योंकि ये मंगलवार के दिन पूजा जरूर करते हैं। और साथ में ये जब पूजा करते हैं तो ये शंख जरूर बजा देते हैं। और यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ। और मैं तैयार होके बस मंदिर में मत्था टेकने आ गई थी। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड को नाश्ता करा दिया है और मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। वहाँ पहुँच के आपको बताती हूँ मैं किस लिए अपनी फ्रेंड के यहाँ गई। और आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। आप ये धनिया और मिर्ची और ये पुदीना देख ही रहे हैं। मेरी ना मिक्सी ख़राब हो गई है तो मुझे चटनी बनानी थी क्योंकि आज मैं ना डोसा बनाने जा रही हूँ, वो चटनी के बिना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि आप दीदी मेरे यहाँ आ जाओ, इसमें क्या बात है, ये भी कोई बहुत बड़ी बात है, आपको चटनी बनानी है बना लो। ये मैंने मिक्सी जार भेज दिया है लेकिन उसमें टाइम लगेगा एक दो दिन। और यहाँ पे मैं चटनी बना रही हूँ, आप लोग देखो। और यहाँ पर मेरी फ्रेंड चटनी बना रही है। मैंने कहा कि मैं बना लेती हूँ लेकिन मेरी फ्रेंड ने कहा कि नहीं दीदी मैं पीस देती हूँ। और यहाँ पे मैंने डोसे का बैटर ना पहले ही बना के रख दिया था, बस उसमें मुझे नमक और थोड़ा सोडा मिक्स करना था। बस अब यहाँ पे मैंने मिक्स करके थोड़ा सा उसको अच्छे से चला दूंगी। अब यहाँ पे मैंने अपना तवा चढ़ा दिया है और डोसा बनाने से पहले थोड़ा सा तवा गरम कर लो, उसमें ऑयल लगा दो और पानी के थोड़े छींटे मारने के बाद ही उसमें डोसा फैला। और
रात की ना आलू की सब्जी सूखी बनी पड़ी थी, बस मैंने उसको ना मैश करके उसमें थोड़ा सा खटाई और थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दी और उसका पेस्ट बना के मैंने इसको भी डोसे में यूज़ कर दिया और ये हमारा डोसा तैयार हो गया। ये पहला डोसा है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ हो तो इग्नोर करना। डोसा तैयार है, डोसा के साथ चटनी भी है और ये मैंने दूसरी बार बनाया है और ये देखिए आप पहले खा के देखो कैसा बना है, पहले आप खाओ ये बताना आपको कैसा लगा। और ये देखिए मेरा दूसरा डोसा कितना अच्छा बना है। हेलो, ये देखिए मैंने कुछ सामान कल मंगाया था जो मैं आपको दिखाती हूँ, छोटा मोटा ही, ज्यादा नहीं, पूरा महीने का राशन नहीं है, ये थोड़ा सा हल्का सा सामान खत्म हो गया था तो मैंने बीच में ही मंगा लिया। कल मैं लेके आई थी, मैंने बनाया नहीं, उसमें वीडियो क्लिप नहीं बनाई मैंने, मैं आप दिखाती हूँ आपको तो मैंने क्या क्या मंगा, क्या क्या मैं लेके आई। ये तीन, पहले ये दिखाती हूँ, ये तीन बॉटल हैं, कोई जलजीरा करके है, इसे आप पानी में मिक्स करके भी पी सकते हैं और ऐसे भी पी सकते हैं, ये बच्चों ने ली है। और ये पोटैटो, पता नहीं कौन सा बिस्किट है, ब्रिटानिया का है ये। ये कच्चा मैंगो भाई, ये बच्चों के आइटम है। ये है टोस्ट का पैकेट, दो, ये दो खत्म हो गए थे। और ये है न्यू टोस्ट का डिब्बा पैकेट, ये सूखी धनिया, और ये स्प्राइट की बोतल है, देखो ये भी ले ली, मुझे पता ही नहीं। ये ओरियो, ये कैच की पाउडर धनिया है, ये ठीक है, ये गुड़ है, ये कैसा गुड़ है, खुला गुड़ नहीं मिला, ये गुड़ के पैकेट है दो, वाह पता नहीं कैसे कैसे पैकिंग आने लगी, ये देखो गुड़ के पैकेट है, कोई धामपुर ग्रीन करके गुड़ है, ये मैं पहली बार देखा मैंने ये गुड़ की पैकिंग। मैं तो वैसे खुला लेके आती हूँ गुड़, वैसे तो मैं ज़्यादातर अपने घर से ही लेके आती हूँ, जब ख़त्म हो जाता है तो फिर मंगाना ही पड़ता है। ये मैंने गुड़ मंगाया, ये वाला गुड़ देखो पता नहीं कैसा होगा टेस्ट में, मैं देखूँगी काफ़ी, ये धामपुर ग्रीन करके, वाह। और ये है बेमका, और ये है एक मक्का का पैकेट, ये भी टोस्ट हैं, ये हैं हमारी भूरी और कालू ये सब आते हैं उनके लिए हैं, ये हैं देखो उनके लिए, गुड़िया लेके आई होगी उनको ज़्यादा निकलाने की रहती है। ये हैं दूध वाली ख़त्म हो गई थी, कुछ मैंने निकाल ली है, धूप बत्ती भी और धूप भी निकाल ली है। और ये है नैपकिन है, और ये हार्पिक, और वो हार्पिक के हैं बॉटल, और ये सर्फ का पैकेट है। मैं टाइड इस्तेमाल करती हूँ, मुझे टाइड ही पता नहीं क्यों अच्छा लगता, शुरू से ही मैं टाइड ही इस्तेमाल करती हूँ, ये टाइड है, इतना है राशन। कौन सा पैकेट है ये, इसका नाम क्या है, पटाखा नहीं, कौन सा है, पटेटोस, और आपको कैसा लगा हमारा वीडियो बताना जरूर कमेंट करके। और ये सामान बस अभी थोड़े बीच में जो सामान ख़त्म हो जाता है ना वो है, ये पूरे महीने का नहीं है। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।